हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज का ये वीडियो बहुत लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 100 से ज्यादा क्वेरीज इस प्रोजेक्ट की आ चुकी थी और ये प्रोजेक्ट का वीडियो जो है ये अप्रोक्सीमेटली पिछले 3 दिन से बना हुआ था या 4 दिन से बना हुआ था। छोटी सी एडिटिंग की वजह से रुका हुआ था मैटर। फाइनली आज एडिटिंग कम्प्लीट हो गई है और ये वीडियो आपके सामने बीच में लेकर के आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शालीमार गार्डन बे प्रोजेक्ट के बारे में। शालीमार गार्डन बे 73 एकर्स की एक पूरी गेटेड टाउनशिप है। इसमें 3 ऑप्शंस, 3 प्रोडक्ट मिक्स है, प्लॉट्स, विलास एंड अपार्टमेंट। यह टाउनशिप आईएम मेन आईएम रोड पे लोकेटेड है। ये इस आईएम रोड को सीतापुर हरदोई लिंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। डिवाइडर रोड है, चौड़ी सड़क है। इसका डिस्टेंस आईएम से अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। सीतापुर रोड से इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा और हरदोई रोड से इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली अगेन 8 से 9 किलोमीटर होगा। ये जो कंप्लीट साइट है इसमें अपार्टमेंट के जो ऑप्शन है वो लगभग 50 से 60-70 की रेंज में आते थे और सब सोल्ड आउट है। 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK कंप्लीट इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर्ड है और उसमें ऑलमोस्ट 60-70% ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। प्रोजेक्ट में इतने लोग अप्रोक्सीमेटली पूरे टाउनशिप में तो 300 फैमिलीज रह रही हैं, लेकिन क्योंकि गार्डन बे के लिए मैक्सिमम क्वेरीज प्लॉट्स एंड विलास की थी तो आज की वीडियो पे हम प्लॉट्स एंड विलास को ही कवर करने वाले हैं। विलास के में भी पोजीशन हैंडओवर हो चुका है कुछ फेज में। फेज 2 में या फेज 3 जो है उसमें अभी पोजीशन हैंडओवर नहीं हुआ। 2 साल तक का अप्रोक्सीमेटली टाइम लग जाएगा। विलास के जो ऑप्शन है उसमें आपको 3 कैटेगरी मिलती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, जिसमें 1100 स्क्वायर फुट के प्लॉट एरिया से लेके 1800-1850 स्क्वायर फुट के प्लॉट एरिया के ऑप्शंस और बिल्टअप में 1000 स्क्वायर फुट से लेके 2600 स्क्वायर फुट तक का बिल्टअप एरिया का ऑप्शन है। कॉस्टिंग 80 लाख रुपीज से लेके 1 करोड़ 70 लाख की रेंज में जाती है। अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो बेसिक रेट इस समय प्लॉट का 4200 रुपीज पर स्क्वायर फुट का है और आने वाले टाइम में कुछ और भी प्लॉट्स एंड विलास की इन्वेंट्री, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 30-40 यूनिट की इन्वेंट्री कंपनी रिलीज करेगी और अभी भी कंपनी के पास 15 से 20 ऑप्शंस प्लॉट एंड विला मिला के फ्रेश इन्वेंट्री आज भी अवेलेबल है। जो भी लोग विलास के लिए या प्लॉट के लिए इस टाउनशिप को में लेके कंफ्यूज हैं या मेरा पॉइंट जानना चाहते हैं, आज का वीडियो उन लोगों की बहुत ही प्रॉब्लम या क्वेरी कुछ हद तक सॉल्व कर पाएगा। टाउनशिप का बिगेस्ट हाईलाइट है इस एरिया का एम्बियंस, लैंडस्केपिंग, ग्रीनरी, जिस तरीके का एक क्रिएट किया है शालीमार ने इस प्रोजेक्ट में, जिस तरीके का एक एम्बियंस क्रिएट किया है, मतलब बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और एक बहुत ही पॉश सोफिस्टिकेटेड सी फीलिंग आती है इस टाउनशिप में एंट्री लेने के बाद। और ये एक बहुत बड़ा कारण है इस टाउनशिप के सेल होने के पीछे या लोगों ने जो इस टाउनशिप में परचेज किया है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है इस टाउनशिप का जो व्यू क्रिएट। अभी बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज की अगर मैं बात करूं तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। हाई डेंसिटी का मतलब या लो डेंसिटी का मतलब उस एरिया में बहुत ज्यादा फैमिलीज या बहुत ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। पार्क जो रहे, जो ग्रीन एरियाज है, जो रोड है उस पे जो जितने लोग एक्चुअली उस रोड पे चल सकते हैं उससे भी कम का डेंसिटी, उससे भी कम पॉपुलेशन उसको यूज करेगी, तो हमेशा एक खुला खुला सा माहौल, एक बहुत ज्यादा कंजेस्टेड वाली फीलिंग नहीं आएगी। सेकेंड, इस टाउनशिप में विलास के ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर शालीमार जैसी ब्रांड में। अगर 1 करोड़ से अंडर, 1 करोड़ के आसपास में अगर विला का ऑप्शन मिल रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और प्लॉट का ऑप्शन अगर 60-70 लाख में मिल जाता है इतनी खूबसूरत टाउनशिप में तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। LDA से अप्रूव्ड है, RERA से अप्रूव्ड है, शालीमार अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसमें अगर 70-60 लाख रेंज में प्लॉट मिल जाए रीसेल में या फ्रेश में 70 लाख रेंज में प्लॉट मिल जाए, विला 80 से लेकर 90 लाख रेंज में विलास के ऑप्शन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके के टाउनशिप में पोजेशन कुछ विलास का मिल चुका है तो अंदर ऑडियंस कुछ लोग रहते भी हैं, तो जब भी कोई 2-1.5 साल बाद शिफ्ट करेगा अगर पोजेशन मिलेगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि अभी लोग रहना शुरू हुए हैं या बसावट नहीं है इस टाउनशिप में, तो ऑलरेडी बसावट भी है इस टाउनशिप में, ये भी एक प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ इस टाउनशिप के पास में इस लोकेशन पे 2 मेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो अनाउंस हुए हैं, एक तो बंधा रोड है जो यहाँ से चौक की कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करती है और डिवाइडर रोड है। 20 से 25 मिनट का टाइम में आप चौक पहुंच सकते हो बहुत आराम से एट ए स्पीड ऑफ 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और साथ ही साथ एक
ग्रीन कॉरिडोर भी अनाउंस हुआ है इसी सेम लोकेशन से जो कि शहीद पथ को कनेक्ट करता है वाया गोमती नगर। तो ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा इस प्रोजेक्ट पे कनेक्टिविटी वाइज। मेन सीतापुर हाईवे से या हरदोई रोड पे कंजेशन हमेशा बना रहता है, तो जो लोगों को शहीद पथ की तरफ जाना होगा, गोमती नगर की तरफ जाना होगा, वो इस ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू जो रास्ता 40-50 मिनट या एक घंटे का था वो रास्ता सिर्फ 20 या 25 मिनट का रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा इस टाउनशिप के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो अनाउंस हुआ है हाल ही में। साथ ही साथ फेज 4 में आएगी या फेज 5 में आएगी या फेज 3 में ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेट्रो IM चौराहे तक जरूर आएगी, क्योंकि IM एक आइकॉनिक मतलब एक इस तरीके का बिल्डिंग, एक इस तरीके का गवर्नमेंट, एक इतना बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, IM उस रोड पे है, तो डेफिनेटली मेट्रो का उस रोड पे आना है, सीतापुर रोड तक मेट्रो को आना है। तो ये कब आएगी ये तो नहीं कह सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 4-5 साल में शायद उस एरिया में मेट्रो का भी कुछ काम दिखना शुरू हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। अबंडेंस ऑफ ग्रीन एरियाज है, एमिनिटीज रिच प्रोजेक्ट है, स्पोर्ट्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, जॉगिंग के लिए सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक, ये सब कुछ एक बहुत बढ़िया सा एक स्पोर्ट्स लवर के लिए या जो शाम में इत्मीनान से बैठना चाहते हैं अपने घर के बाद जब जॉब से आए और घर के जो एम्बियंस है टाउनशिप का एम्बियंस एंजॉय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट होने वाला है। ये तो हो गए प्लस या प्रोस की बात, अब बात करते हैं कॉन्स की। इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो सब लोगों को सूट नहीं करेगा, कुछ ही लोगों को सूट करेगा बेसिकली, क्योंकि ये लोकेशन पे या तो अगर किसी की वर्किंग लखीमपुर की तरफ है, हरदोई रोड की तरफ है, शाहजहांपुर की तरफ है, तो उन लोगों को तो सूट कर सकता है, या फिर पर्टिकुलरली उन लोगों को जो ऐसे एम्बियंस में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन घर में उनके हाउस हेल्प है, स्टाफ है, ड्राइवर्स हैं जो कि बच्चों को लाने ले जाने में या घर में दूसरे मेंबर्स को लाने ले जाने में, कोई भी आसपास में ग्रोसरी सामान कुछ लेना है उसको लाने में उनकी हेल्प करेंगे, उन लोगों को ये टाउनशिप ये एरिया सूट करेगा। और पर्टिकुलरली जिन लोगों का उस एरिया में कुछ जॉब से रिलेटेड वर्क है, वहीं काम करने जाते हैं, उससे 5-7-8 किलोमीटर के रेडियस में उनकी वर्किंग है, तो उन लोगों को भी ये लोकेशन सूट करने वाली है। सबके लिए ये लोकेशन सूट नहीं करेगी, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ये कौन है कि ये प्रोजेक्ट इतना सुंदर होने के बावजूद भी सबके रिक्वायरमेंट लिस्ट पे या सबके जो भी लोग बायर्स हैं जो खरीदना चाह रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, हर किसी को ये लोकेशन सूट नहीं करने वाली है। जो इस प्रोजेक्ट का प्राइस पॉइंट है, अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो 4200 रुपीज पर स्क्वायर फुट, या विला की बात करूं तो 90 लाख रुपीज से लेके 1.60 करोड़। अभी और भी कुछ विलास लॉन्च होने वाले हैं जो कि लगभग प्लॉट एरिया 1600-1700 स्क्वायर फुट रहेगा, कंस्ट्रक्टेड एरिया 2000-2200 स्क्वायर फुट रहेगा, रेंज उसका 1.60-1.70 करोड़ की रेंज में होगा। ये ऑन अ हायर साइड है, प्राइस पे शालीमार अपने ब्रांड वैल्यू का या पोजीशन जो डिलीवर हो चुके हैं इसके बाद जो रेट चेंज आए वन या कोरोना वेव 2 के बाद, ये जो प्राइस पॉइंट है ये थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता था। 4200 रुपीज पर स्क्वायर फुट का रेट, वो भी इस रोड पे, वो भी बेसिक कॉस्ट प्लॉट के लिए, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ये मेरा प्योरली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तीसरा, ये जो टाउनशिप है ये मेन IM रोड से लगभग कुछ फीट नीचे है, 8-10-12 फीट ये नीचे जाके है ये पूरी साइड। तो इतना नीचे जाने की वजह से जो मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कि आने वाले समय में कभी कोई मॉनसून सीजन में स्पेशली या बारिश कभी ज्यादा हो जाती है तो पानी जमा हो सकता है, क्योंकि मेन रोड से ये टाउनशिप का लेवल जो है वो थोड़ा नीचे है। आसपास में जो खेत या जो लैंड अभी अनएक्वायर्ड है, जिन लैंड पर अभी बिल्डर काम भी कर रहे हैं, वो तो कम से कम 15-16 फीट नीचे है आसपास में एरिया, तो पानी भरने का शायद एक प्रॉब्लम इस टाउनशिप में हो सकता है फ्यूचर में अगर बारिश ज्यादा होती है तो। और साथ ही साथ इस टाउनशिप में एक और जो मुझे कौन लगता है वो है कि जो फेज 2 की कनेक्टिविटी है, एक तो मेन IM रोड से एंट्री मिल जाती है वो तो ठीक है, जो IM रोड से मेन एंट्री नहीं है जिसके लिए साइड में जाके 1.5 किलोमीटर अंदर जाके फेज 2 का जो एंट्री है वो बहुत ही खराब है, देखते हुए कि मेरा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या 1.25 करोड़ के आसपास होने वाला है या 70-80 लाख के आसपास होने वाला है। और उसके लिए जो अप्रोच रोड है वो हालांकि फ्यूचर में उसका मास्टर प्लान में वो 18 मीटर चौड़ी रोड है और उसका कनेक्टिविटी टू आउटर रिंग रोड जो किसान पथ है उससे अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा वीक है। और ये रोड पे इतना ट्रैफिक भी नहीं होगा तो पता नहीं गवर्नमेंट कब इस रोड को उतना चौड़ा करेगी, मास्टर प्लान में है लेकिन कब गवर्नमेंट इसको इतना इम्प्लीमेंटेशन में लाएगी इस प्लान को या कब ये चीज एग्जीक्यूट होगी इस पे कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो
अगले 2-3 साल के लिए इस रोड का चौड़ा हो पाना या उस रोड पे कम्यूट करना एक बहुत सरदर्द वाली चीज होने वाली है। इसके अलावा मुझे और कोई कौन खास लगता नहीं है इस प्रोजेक्ट पे। जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो ये है कि इस टाउनशिप से लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे डंपिंग यार्ड है। पूरे लखनऊ का जो वेस्ट या कूड़ा जो है वो वहां डंप होता है। तो इतने महंगी टाउनशिप, इतने महंगे एरिया में 2-2.5 किलोमीटर के एरिया पे इस तरीके की कोई चीज, ये खटकती है थोड़ा। और साथ ही साथ क्योंकि मेरी पर्सनल रनिंग थोड़ा ज्यादा होती है आईएम रोड पे, तो पिछले 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उस रोड पे 365 दिन का एक साल होता है, उसमें लगभग 150 या 200 दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हमेशा मिला है। तो शायद जो लोग वहां रहे वो सेफ फील ना करें ये सोचते हुए कि उनके बच्चे उस रोड पे ट्रेवल करेंगे, उनकी वाइफ उस रोड पे ट्रेवल करेगी, वो खुद उस रोड पे ट्रेवल करेंगे या कोई उनका रिलेटिव उस रोड पे आ रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है एक्सीडेंट प्रोन वहां पे, क्योंकि बीच में जो दोनों तरफ के जो बैरिकेटिंग है या जो बीच के डिवाइडर्स हैं उस पर कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया। कभी कोई जानवर भी बीच में आ जाता है, कभी कोई गाड़ी भी क्रॉस कर लेते हैं, कभी बाइक भी क्रॉस कर लेते हैं लोग। और क्योंकि वो इतनी चौड़ी सड़क है, स्पीड वहां पे 80-100 किलोमीटर पर आवर की रहती है, तो वो एक मेरे लिए एरिया ऑफ कंसर्न है। ये 2 एरिया ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा मुझे कुछ खास इस टाउनशिप में और कुछ कौन नहीं लगा। ओवरऑल इस टाउनशिप को मैं 2.5/5 रेटिंग देना चाहूंगा। मेन रीजन जो पॉइंट काटने का है वो है कि जो प्राइस पॉइंट है वो ऑन अ हायर साइड है, और जो ये एरिया है ये मेन आईएम रोड से थोड़ा सा नीचे जाके है। 8-10 फुट का जो इसका नीचे होने की वजह से पानी का एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इतना महंगा लेने के बावजूद भी अगर वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़े तो मेरा ये एक एरिया ऑफ कंसर्न, इसी वजह से मैं 2.5 स्टार काट रहा हूं। इसके अलावा जो लोग इस टाउनशिप में खुद रहने के पर्पज से परचेज कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है। अगर हाउस हेल्प है और वो लोकेशन उनको सूट करती है तो बहुत ही बढ़िया टाउनशिप है। इससे ज्यादा खूबसूरत एम्बियंस इस रेंज में शालीमार जो दे रहा है, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जा सकते हैं। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री ले रहे हैं प्लॉट में 4,000 या 4,200 के रेट पे, उनको रिटर्न बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है। 10-15 साल का टाइम लग जाएगा इतना रिटर्न, इस 4200 के कॉस्ट पे भी रिटर्न निकालने के लिए, अच्छा रिटर्न जिसके मैं बात करूं 12% या 14% का रिटर्न निकालने के लिए टाइम लग जाएगा। और इन्वेस्टर के लिए इस प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेना बहुत सेफ और बहुत लुक्रेटिव या बहुत एक अच्छा ऑप्शन या अच्छी डील नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यू पॉइंट से आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, ये एक आइडिया लगा होगा इस टाउनशिप में। जैसा कि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, लें ना लें, क्या कंफ्यूजन हैं, ऑलमोस्ट जो कंफ्यूजन है मुझे, मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे कंफ्यूजन या सारी क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करी है। इसी तरीके से वीडियो को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टीम अमन चावला के प्रोफाइल को इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करें और अपना प्यार बनाए रखें। अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में इस चैनल को शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी में लेने वक्त या लेते टाइम पे जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए, और किसी भी प्रोजेक्ट में फंसे या किसी भी प्रोजेक्ट में वैल्यू फॉर मनी डील मिले वो अवेयरनेस हमेशा रहनी चाहिए। और इस चैनल की वजह से अगर आपकी कोई भी क्वेरी सॉल्व होती है या आपके जान पहचान में नोन वन की किसी भी क्वेरी सॉल्व होती है तो इस चैनल का जो मोटिव है, जो मोटो है, वो सॉल्व होता है। थैंक यू सो मच, एंड इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें।